हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल में मस्त किचन वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कढ़ाई में बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे परफेक्ट वेजिटेबल पुलाव बनाया जाता है उसका रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत आसानी से 10 मिनट में ये परफेक्ट पुलाव बन करके तैयार होता है। इसे अपना फेवरेट करी के साथ खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत तारीफ मिलेगा। इसे बनाना जितना आसान है ये उतना ही स्वादिष्ट है। So let's move to my mast kitchen to prepare vegetable pulao recipe. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक हेवी बेस कढ़ाई, जिसमें 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप किसी और तेल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी तेल आपको पसंद है। तेल को हम गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें 2 चुटकी हींग और 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। इसके साथ एक मीडियम साइज का प्याज चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज को 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में 5-6 फ्रेंच बीन्स चॉप करके ऐड कर देंगे। फ्रेंच बीन्स को भी प्याज के साथ करीब 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को करीब ट्रांसपेरेंट होने तक हम फ्राई करेंगे। करीब 2 मिनट बाद हम इसमें 1/2 कप गाजर चॉप करके इस तरह ऐड कर देंगे। ये देखिए, करीब 2 मिनट के लिए हम गाजर को भी प्याज और फ्रेंच बीन्स के साथ फ्राई कर लेंगे। अब हम 1/2 कप हरे मटर ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए चम्मच को चलाएंगे। अब हम कढ़ाई को ढक करके करीब 2.5-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। वेजिटेबल्स को हमें 100% तक नहीं पकाना है। अब हम कढ़ाई में करीब 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ 1/3 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। चम्मच को एक बार चला देंगे। अब हम कढ़ाई में गर्म पानी ऐड कर देंगे। जितना चावल हम भिगो के रखे हैं उससे दुगुना पानी ऐड करेंगे। इस कप का 1/2 कप चावल हम भिगो के रखे हैं। अब हम कढ़ाई में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। चम्मच से मिक्स कर देंगे एक बार। एक हरी मिर्च हम फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे इस तरह तोड़ करके। चावल को हम अच्छी तरह धो करके छलनी में छान करके कढ़ाई में ऐड कर देंगे। कढ़ाई में पानी उबल जाने के बाद ही हम चावल ऐड करेंगे। चम्मच को जेंटली चलाते हुए हम चावल को मिक्स करेंगे, नहीं तो चावल टूट सकता है। ये देखिए, 1 इलायची क्रश करके हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। टोटल 8 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। 7 मिनट बाद हम ढक्कन को एक बार खोलेंगे और पुलाव को एक बार चम्मच से जेंटली मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से पुलाव के चावल जो है बिल्कुल खिला खिला अलग अलग बनता है। हम चम्मच को चावल में बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, इसमें क्या होगा, चावल टूट सकता है। बस हल्का हल्का हमें चावल को चलानी है। अंत में हम ढक्कन को बंद करके 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा बहुत पानी जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा। 1 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे और कढ़ाई को इस तरह ढके हुए 10 मिनट रखेंगे सर्व करने से पहले। और ये देखिए, हमारा गरम गरम खिला खिला परफेक्ट पुलाव बन करके तैयार है। अब इस पुलाव को आप अपना फेवरेट करी के साथ सर्व करें और बड़े मजे से खाएं। इस तरह आप सिंपल तरीका से बेसिक परफेक्ट पुलाव बना करके तैयार करेंगे।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी, इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।